5 बजा क्यों बिग बॉस 11 के टॉप 2 में आकर हार गई हिना खान। ₹105 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिर 14 जनवरी को बिग बॉस 11 के विनर का पता चल गया। टीवी के आदर्श बहू हिना पर नटखट भाभी जी शिल्पा भारी पड़ी। शिल्पा के सर पर बिग बॉस 11 का ताज सजा, तो वहीं हिना खान शो की फर्स्ट रनर अप रही। इस स्टोरी में हम आपको वो 5 वजह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से हिना शो की विनर नहीं बन पाई। नंबर 1, बिग बॉस 11 में हिना को शिल्पा की लोकप्रियता के सामने असुरक्षित होते देखा गया। घर में आए अधिकतर गेस्ट शिल्पा और उनकी गेम की तारीफ करते थे, जिसे लेकर हिना धीरे धीरे इनसिक्योर होती गयी। हिना को तो बीबी मॉल टास्क के बाद यकीन हो गया कि शिल्पा ही विनर बनने वाली है। नंबर 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान एक सीधी सादी बहू वाली इमेज में थी, लेकिन बिग बॉस में उनका अंदाज और तेवर अलग ही थे। टीवी के सीधी सादी बहू बिग बॉस में काफी लाउड और एग्रेसिव दिखी। शायद उनका बड़पोलापन फैंस को रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। नंबर 3, बिग बॉस 11 में अगर शिल्पा शिंदे ना होती तो ऐसा माना जा रहा है कि हिना इस शो की विनर होती। शो में अक्सर इन दो मजबूत दावेदारों को एक दूसरे से लड़ते देखा गया। हिना के लाउड इमेज के सामने दर्शकों ने शिल्पा के भोलेपन और शांत नेचर को पसंद किया। नंबर 4, अपने टास्क को ईमानदारी और मेहनत से करने वाली हिना ने बिग बॉस 11 में लव और प्रियंक जैसे अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन शो में हिना को अपने इन दो दोस्तों से भी लड़ते देखा गया, जिसकी वजह से वो गेम में ज्यादातर हिस्सों में अकेले ही रह गई। शो में हिना शिल्पा और विकास की जैसी लीडरशिप साबित नहीं कर पाई। नंबर 5, हिना को चीजों पर ओवर रिएक्ट करने के लिए ड्रामा क्वीन और क्राई बेबी जैसा नाम दिया गया। हर बात पर रोने धोने और बात बात पर इमोशनल होने की वजह से दर्शकों ने उन्हें कमजोर आंक लिया। कुछ ऐसा ही हुआ था जब उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल घर में आए थे। रॉकी के आने से हिना का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। वो रॉकी से उन्हें ले जाने की गुहार लगाती दिखी। हिना का यही रवैया फैंस को पसंद नहीं आया। हिना खान के हारने में इन 5 वजहों का अहम रोल माना जा रहा है। आपकी नजर में हिना खान के हारने की वजह क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।